नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर रियासना आपके साथ है। आज 16 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज की झारखंड की 5 प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर, प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय को मिलेगा 75% आरक्षण, बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता, कहा हेमंत सोरेन ने। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 5,000 का भत्ता देने का फैसला लिया है और इसके साथ ही निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण और सड़क हादसे में मौत पर आश्रित को 1,00,000 का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अगली खबर, अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए खुलेगा आवासीय विद्यालय, सरना स्थलों का भी होगा सुंदरीकरण। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री चमई सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के हर प्रमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं अगली खबर, छात्राओं का प्राइवेट पार्ट छूकर सहन शक्ति टेस्ट वाले मामले में परवेज आलम गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी तिरला के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में छात्राओं के प्राइवेट पार्ट छूकर बंद कमरे में उनकी सहन शक्ति टेस्ट करने वाले एनजीओ संचालक परवेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने वाली इन छात्राओं का बीते दिन सहन शक्ति टेस्ट किया गया। छात्राओं से छेड़छाड़ कर संगीन आरोप एनजीओ संचालक परवेज आलम उर्फ बबलू पर लगा था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने परवेज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगली खबर, जेपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 आवेदकों को बड़ी राहत, अब 21 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन jpsc.gov.in पर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को 11:45 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन अब यह 21 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अब आप 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वही अगली खबर, बालू पर गरमाया सदन, विधानसभा में बीजेपी का आरोप, सरकार के आदेश पर स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर पकड़ रहे थे थानेदार, अगर आरोप गलत तो छोड़ने का आदेश दे सरकार। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू का मुद्दा गर्मा गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सदन में बालू के अवैध बालू खनन का मामला उठाया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बालू माफिया को संरक्षण दे रही है। 5 प्रमुख खबरों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।